तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, बहुत सारे लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो लेजेंड टाइप का होता है, समझ रहे हो। लेजेंड मतलब लाइक एम एस धोनी, मतलब जिनका करियर बहुत अच्छा रहा, सचिन तेंदुलकर, गॉड्स ऑफ क्रिकेट, जिनका करियर बहुत बढ़िया रहा, वैसे हेयर ट्रांसप्लांट का भी होता है। हेयर ट्रांसप्लांट इज अ सिंपल प्रोसेस, इज अ सर्जिकल प्रोसेस, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल यदि आपका रिजल्ट बहुत 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 बढ़िया आ जाए तो मज़ा आता है। तो हम इस वीडियो में एक ऐसे लड़के के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और भैया आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट वो अजय देवगन बन गया। कैसे? क्योंकि उनका हेयर स्टाइल जो है वो अजय देवगन की तरह हो गया, मजा आ गया। चलो तो शुरू करते हैं इनकी वीडियो। ये है मिस्टर चंदन, जो कि बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं। मधुबनी में देखो तो मतलब बिहार का जो एक एरिया है, बिहार को लेकर लोगों की जो इमेज है वैसी रहती है, बहुत ही पिछड़ा राज्य है जहाँ पर बहुत ही असभ्य लोग रहते हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बट स्टिल बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है एंड सबसे ज़्यादा सभ्य लोग हैं और सबसे ज़्यादा जो है एक जो कहते हैं ना जिज्ञासु, जो उनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है, वैसे लोग हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं खुद बिहार का हूँ और मैंने बिहार को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे गुजरात के और बड़े बड़े ऑफिसर वो हैं बिहार के, आप ये समझो। चलो तो चंदन भाई भी बिहार के मधुबनी के हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे से, मतलब बहुत बढ़िया इनका जो है लाइफ चल रहा था। जब इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना था, जब इनका हेयर लॉस हो रहा था, बेसिकली यंग एज में हेयर लॉस होना, मतलब हेयर फॉल होना, हेयर लॉस हेयर फॉल में डिफरेंस है, तो यंग एज में हेयर फॉल होना ऐसा कॉमन प्रॉब्लम, बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि जो हेयर लाइफ साइकिल को भी समझना बहुत जरूरी होता है। बट स्टिल यदि आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यू 3 महीने से ज़्यादा सेम क्वांटिटी में हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत होती है एंड डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है। इनकी जो हेयर फॉल स्टार्ट जर्नी हुई थी वो हुई थी 17 साल की उम्र से एंड 22 साल तक आते आते इनका जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रंट का जो है वो बाल जा चुका था एंड कह सकते हो 3-4 का जो है इनका बाल्डनेस ग्रेड था, बट कहीं ना कहीं जो है इनके हेयर फॉल की वजह से इनके आत्मविश्वास में कमी आ रही थी। इनका ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, मैं जो है अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मैं कहीं ना कहीं बालों में ही उलझा हुआ रह जाऊँगा, कहीं ना कहीं मेरी जो एक मेंटालिटी है, कहीं ना कहीं जो मेरा एक सेंटर पॉइंट है वो बालों पे जाके अटक सा गया है। क्यों? क्योंकि यार बाल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व रोल जो है वो निभाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर, बड़े बड़े क्रिकेटर वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कभी नहीं करवाते, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, सफलता भी है, मूवीज वगैरह मिल रही है। लेकिन हाँ, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसा भी है जिसकी बालों की वजह से शादी नहीं हुई, बताऊंगा आगे। अब कमेंट करते ना ऐसा कौन है, उसके ऊपर केस स्टडी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हालांकि, बट ये एक मेन जो फोकस में आ गया वैसा। अब चंदन भाई ने प्लान किया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, बट इन दिस वीडियो में वो आपको मैं रिजल्ट दिखाने वाला हूँ ना, वो पानी में वाटर टेस्ट के साथ दिखाने वाला हूँ रिजल्ट, लाइक भीगने के बाद कैसा लग रहा है इनका बाल। तो चंदन भाई ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया दिल्ली जाकर, ठीक है। उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट जो है अप्रोक्स आज से 2.5 साल 3 साल पहले करवाया था, मैं वाटर टेस्ट की वीडियो में दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ पाए कि यार 2 से 3 साल बाद भी जो है रिजल्ट बढ़िया रहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोगों में मिथ भी है यार, हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा एंड 1 साल बाद जो है वो फिर से बाल चले जाएंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरे पास, मेरे यार, मेरे दोस्त। चलो तो अब इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया दिल्ली जाकर, 3500 से 3600 के बीच में इनके ग्राफ लगे थे, एक्यूरेट तो मुझे याद नहीं अभी, एंड उस ग्राफ के बीच में जो है इनकी हेयर लाइन है, जब देखोगे ना बिल्कुल जिगजैग पैटर्न में बनाया गया, मतलब हल्के हल्के से नीचे नीचे से आपको 2-3 ग्राफ नीचे नीचे दिख रहे होंगे, जो कि बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही शानदार दिख रहा है यार बॉस, आप समझो इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे बताऊंगा। अब इनका सिर्फ हेयर लाइन ने जिगजैग में नहीं पैन बनाया गया, पूरा का पूरा जो है हेयर ट्रांसप्लांट जिगजैग पैटर्न में किया गया। क्यों? क्योंकि बाई चांस मान लो कभी इनको अपने बाल छोटे रखने होते हैं, अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करने के लोगों में कई बार ऐसा रहता है यार इस बाल को हम शेव नहीं कर सकते, ट्रिम नहीं कर सकते, छोटे छोटे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप शेव कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, छोटे रख सकते हो, जैसा मन करे वैसा कर सकते हो, क्योंकि ये आपके अपने बाल हैं। और लोग अपनों के साथ जो है सोच बैठने से पहले, बोलने से पहले, कुछ करने से पहले सोचता नहीं है, मेरा अपना भाई है कर दो, तो भी आपका अपना है बाल है, उड़ा दो, उड़ाना है तो रखना है तो रख लो, मर्जी है वो, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट भी ऐसा ही है। अब जिगजैग पैटर्न में करने से फायदा यही होता है कि आप छोटे छोटे भी रख रहे हो तो नेचुरल लगता है, किसी को पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा यार हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है कैसे क्या कराया नॉट। अब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो है उन्होंने अपनी जर्नी भी डाली हुई थी यूट्यूब पे, यदि आप सर्च करोगे चंदन हेयर ग्रोथ हेयर ट्रांसप्लांट तो आपको उसकी जो है कुछ वीडियोज वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद जो है धीरे धीरे टाइम बीतता गया
एंड 12 महीने के बाद जो है मैंने आप लोगों के साथ इसका रिजल्ट शेयर किया, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट एवर इन यूट्यूब, मतलब अभी तक का यूट्यूब का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। जितने भी आपने यूट्यूब पे हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट देखी होगी ना, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली जो जितने मैंने रिसर्च किया है हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब बेस्ट में भी बेस्ट। आज के डेट में यार हेयर ट्रांसप्लांट से अजय देवगन कौन बन रहा भाई, मतलब कि जैसे अजय देवगन अपना हेयर स्टाइल रखते थे यंग एज में, वैसे चंदन ने रखा हुआ मस्त, मतलब बाल ऐसे खतरनाक लिटा लिटा कर, और भाई साहब इतने मोटे मोटे बाल उनके उगे हैं ना, इतने अच्छे से उगे हैं, मतलब बता नहीं सकता। अच्छा, इसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है, मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट इज कि इनका डोनर एरिया जो है वो बहुत बढ़िया हो सकता है, एंड हाँ डेफिनेटली था डोनर एरिया, क्योंकि मैं करीब से जानता हूँ, मैंने वो करीब से देखा भी था। दूसरी चीज, आपका जो बॉडी है ना बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर गया, मतलब यदि आपके बॉडी में कुछ ऐसा वीकनेस है हो सकता है कि आपका रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं है। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन, यदि आपका जेनेटिक बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे दिखोगे, यदि किसी का जेनेटिक वीक है तो डेफिनेटली वीक दिखेगा। तो इनका जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। थर्ड इज की डाइट वाइट एंड मेंटालिटी, यदि आप पॉजिटिव फोकस करोगे, अपने डाइट में कुछ अच्छी चीज़ें इंक्लूड करके रखोगे, आप अल्कोहल ड्रिंक अवॉइड करोगे, देन एब्सोल्युटली आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिलने का चांस रहता है। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है इनको अच्छा रिजल्ट मिला। अब जब पानी डालते हैं ना इनके बालों के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट इनका वन ऑफ द बेस्ट क्यों है, क्योंकि अक्सर जब गीले बाल होते हैं तो गीले बालों में हेयर ट्रांसप्लांट का सच्चे अच्छे से बाल वालों की सच्चाई दिख जाती है, क्योंकि गीले वालों में उतनी डेंसिटी नहीं होती, आपके नेचुरल हेयर भी है तब भी गीले वालों में इसका दिखना शुरू हो जाता है, थोड़ा मतलब हल्का सा फील होता है। बट जैसे इनके नेचुरल हेयर थे पहले अपने, जैसे आपके रहते हैं, आप नब नहा रहे हो, मस्त पानी डाल रहे हो, तो सेम टू सेम आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट भी इनका सेम ही कंडीशन था। दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि इनका वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। और इस तरीके से ना अपना रिजल्ट पूरे यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे ना, कोई नहीं दिखाता, क्योंकि सबको पता है यार कि मैं दिखाऊंगा मेरा पोल ना खुल जाएगा। यदि कोई बंदा पानी में अपना सर्वे आकर आपको अपना रिजल्ट दिखा रहा है, तो आप समझो कि उसका वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आया है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर खुद में चीज है, खुद में ग्रैटिट्यूड है, भैया आई एम द बेस्ट एंड आई गॉट अ बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट, दैट्स व्हाई उन्होंने दिखाया हुआ है। तो होप्स आपके वीडियो समझ में आई होगी। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपके आसपास के लोग, यदि आपके दोस्त यार है, फिर कोई भी यदि आपको चिढ़ा रहा है कि आप गंजे हो गए हो या तेरे बाल काफी कम हो गए, तो उस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ दिस टाइम दुनिया में बहुत सारे ऐसे भैया संसाधन है जिसकी वजह से आपके बाल वापस आ सकते हैं। फिर यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बालों की वजह से, बालों की समस्या से परेशान है, जूझ रहा है, तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप बढ़िया हेयर ट्रांसप्लांट कराओ किसी भी व्यक्ति के गाइड में जिसको हेयर ट्रांसप्लांट का आइडिया है, और बढ़िया क्लिनिक में जाकर बढ़िया डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, डेफिनेटली आपको भी एक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। होप से वीडियो पसंद आई हो, पसंद आया हो रिजल्ट कैसा लगा, ये हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर आपका क्या परसेप्शन है, आप कमेंट में मुझे बताना। मिलते हैं फिर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।